काहे आप परेशान हो रहे हैं? देखिए परेशान मत होइए, जितना आपने तैयारी किया पूरा एकदम बेस्ट किया है, आपसे बेस्ट कोई तैयारी नहीं किया, बस आपको इतना अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और एग्जाम में जाना है पूरा परचम लहरा के आना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का देखा जाए तो आपके पास टाइम भी बहुत ही कम बचा है, तो अभी आपके पास प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा कि इन लास्ट समय में हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ें और किस तरीके से हम थोड़ा सा लास्ट समय में अपना तैयारी कर पाएँ। देखिए बिहार दरोगा मेंस निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इन लास्ट समय में आपको रणनीति बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो 47,000 यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम देंगे बिहार दरोगा मेंस के लिए, सभी लोग का यही होगा कि हम मेंस निकालें। और सिलेक्शन कितना लोग का होगा? करीबन यहाँ पे 14 से 15 हज़ार ही बच्चे यहाँ पे बिहार दरोगा मेंस निकालेंगे। तो आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचना होगा, पूरा पॉजिटिव होकर सोचना पड़ेगा कि अगर आप सभी लोगों ने जितना भी तैयारी किया है उतना बेहतर किया है और आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है, तभी आप मेंस निकालेंगे। और आपने विश्वास किया था अपने ऊपर तभी आपने पीटी निकाला है, तो मेंस भी आप निकालेंगे। बस थोड़ा सा एकदम अच्छे तरीके से सोचना है कि हाँ, अगर मैंने हिस्ट्री पॉलिटी या ज्योग्राफी जो भी मैंने पढ़ा है तो हमको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम यहाँ से प्रश्न सही कर पाएंगे। देखिए बिहार दरोगा मेंस में आपको पता है कि अगर आप मेंस निकालेंगे तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे और फिजिकल आपका अच्छा होगा ही और आराम से आप फिजिकल निकालेंगे। तो ले देकर के देखा जाए तो आप बिहार दरोगा बनने के पड़ाव पे कुछ ही दूरी पे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचिएगा। देखिए बिहार दरोगा मेंस में आपको पता है 100 प्रश्न आने वाला है, इन 100 प्रश्न में से आपका जो 20 प्रश्न होता है जैसे मैथ और रीजनिंग का, यही आपका मुख्य भूमिका निभाने वाला है बिहार दरोगा मेंस में। क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो आपका 20 प्रश्न ऐसा बनता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने आप के तुर्रम खा या फिर जितना जिसका तैयारी मैथ रीजनिंग में अच्छा खासा होता है वो 20 में से 20 सही कर ले जाते हैं। आप भी करते होंगे तो आपका 15 प्रश्न सही होता होगा, 18 होता होगा, बहुत लोग का 20 में से 20 सही हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें ताकि हमारा जो मेरिट बने हम स्कोर अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इन लास्ट समय में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखिएगा, एक इन्फोर्समेंट ESI मेंस का उठाइएगा और जो आपका बिहार दरोगा 2446 मेंस का हुआ था उसका उठाइएगा, दोनों उठाइएगा और देखिएगा कि मैथ और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आया है, उसको हम कम से कम एक दो बार लास्ट समय में हम देख लें ताकि अगर उस तरीके से प्रश्न आए तो हम उसको अच्छे तरीके। अब देखिए जो आपका 80 प्रश्न बचता है जैसे आपका GK GS का हो गया, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो GK GS का जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद आपका साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो उसमें बहुत सारा आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है और उसमें आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर का टॉपिक भी छोटा मोटा उसमें डाल दिया जाता है, जैसे आपका 4 से 5 प्रश्न। सिलेबस में दिया नहीं है कि आपका करंट अफेयर डाला जाएगा, लेकिन अगर आप इन्फोर्समेंट ESI मेंस का देखेंगे तो उसमें सिलेबस में ना रहते हुए भी आपका करंट अफेयर कुछ प्रश्न आ गया था। तो करंट अफेयर के लिए आपको परेशान नहीं होना है, एक एडिटोरिया का भी करंट अफेयर बुक लॉन्च किया गया है और हमारे चैनल पे देखा है तो एक मास्टर वीडियो भी अपलोड किया गया है, पूरा 1000 MCQs है। तो उसको आप अगर 2 से 4 बार या जो जिस तरीके से आप अगर देखते हैं, अगर आपके पास बुक है तो उसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपका अगर कोई भी प्रश्न आता है करंट अफेयर का तो आप वहाँ से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे हिस्ट्री में आपका जैसे मध्यकालीन हो गया और मॉडर्न हो गया, तो मॉडर्न से आपको ज़्यादा प्रश्न आता है तो आपको मॉडर्न को कम से कम 2 से 4 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी से आपका ज़्यादा प्रश्न आता है उसको आपको देखना पड़ेगा। साइंस भी आपको जो जो आपका प्रश्न लगता है कि हाँ यहाँ से प्रश्न आ सकता है तो उसको आपको 2-4 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। उतना आप देखिएगा ताकि आपका जो रिविजन अच्छा हो पाएगा और जो आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह होता है कि इन लास्ट में आपको रिविजन करने के लिए आपको सेट भी लगाना जरूरी होता है। अगर आप डेली बेस पर 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अभी फिलहाल में लगा रहे हैं तो लगाइए, क्योंकि जितना आप रिविजन करेंगे इन लास्ट सेम में तो आपको एग्जाम जब आप देंगे तो कहीं ना कहीं आपको हल्का फील होगा और आपको जैसे होता है ना कि प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं लगेगा। तो अगर आप सभी लोग रिविजन कर रहे हैं तो रिविजन कीजिए, सेट कम से कम जितना हो सके उतना आप सेट लगाते रहिए। और अभी क्या है कि एडिटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया है हमको बहुत अच्छा लगा उस सेट, और कहीं ना कहीं जो उसमें क्वेश्चन का लेवल दिया गया है वो भी आपका ठीक ठाक दिया गया है। देखिए आप सेट तो लगा ही रहे होंगे, अभी फिलहाल में सेट लगा रहे होंगे, तो आप ये मत देखिए कि अगर हम 100 में से 70 प्लस सही कर रहे हैं या फिर 80 प्लस सही कर रहे हैं तो मेरा हो गया, नहीं। अगर आप कॉपी से मिला रहे हैं कि अगर हमारा 70 प्लस प्रश्न सही हो रहा है, अगर हम 30 प्रश्न नहीं कर पा रहे तो कहाँ पे क्यों गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हमको और तरीके से पढ़ना पड़ेगा और
कौन कौन सा प्रश्न हमसे नहीं हो पा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए मार्केट से, या फिर बहुत सारा पीडीएफ भी मिला है तो पीडीएफ को भी देखिए, क्योंकि लाके होता क्या, जैसे मान लीजिए सेट वन लगाए आप, सेट वन में जब आप लगा लिए कौन कौन सा क्वेश्चन सही किए वो तो ठीक है, जो गलत हुआ उसको भी आपको देखना पड़ेगा, और जो सेट के पीछे दिया होता है एक एक्सप्लेनेशन करके जिससे आपका डिटेल दिया होता है, डिटेल को आप जरूर पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, कि अगर मान के चलिए सिंधु घाटी से अगर एक प्रश्न आप सही किए तो सिंधु घाटी से आपका दो चार पॉइंट आपको दिया होता है एक्सप्लेनेशन में, उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो आपको मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन से आपका 8 से 10 प्रश्न आपको वहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सारा पॉइंट को कम से कम 2 से 4 बार लगाइए, अच्छे तरीके से लगाइए, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है अभी आप दूर कर लीजिए। नहीं तो अगर आप सोचेंगे चलो ये टॉपिक हो गया इसको ख़त्म करते हैं आगे देखते हैं, ऐसे क्या होता है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको आता हुआ प्रश्न पता है 4 बार आप सोचेंगे कि मैं इसको बी सही करूं या फिर नहीं सही करूं, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको इतना बना रहेगा कि आप आते हुए प्रश्न को आप ना चाहते हुए भी गलत करके आएंगे, और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि डीमोटिवेट आदमी होता है और आता हुआ प्रश्न क्या है गलत हो जाता है। तो आप इससे बचिए, अभी ज़्यादा पढ़िए मत, जितना आपने पढ़ा है बस उतना ही पढ़ा है, और डिटेल थोड़ा सा देखिए, ताकि जो आपने सेट लगाया है उसका डिटेल देखिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, काहे आप परेशान हो रहे हैं, देखिए परेशान मत होइए, जितना आपने तैयारी किया है पूरा एकदम बेस्ट किया है, आपसे बेस्ट कोई तैयारी नहीं किया, बस आपको इतना अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, और एग्जाम में जाना है पूरा परचम लहरा के आना है, ताकि आप सभी लोग फिजिकल की तरफ जाएं और मेंस का एग्जाम दे करके अपना फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट करना है, इस तरीके से आपको मेंस का एग्जाम देना है। तो एकदम जान लगा दिए, जितना आपने तैयारी किया है उतना बेस्ट है, और जो जो आपको टॉपिक लग रहा है कि हाँ हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, उसको कन्फ्यूजन उसको अभी से दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी दूर करेंगे तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आराम से जाइए एग्जाम दीजिए, और पूरा एकदम पॉजिटिव माइंड में जाना है, और आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।